हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। जिला ललितपुर, ब्लॉक महरौनी। आज यहां महरौनी में तहसील दिवस है। नेगवा गांव के 4-5 लोग आए हैं जिनको बिजली की कई सालों से समस्या है। खंभे टेढ़े मेढ़े हैं तो कई बार बिजली का तार भी गिरा है, कई बार लोगों के साथ हादसे भी हुए हैं, कई जानवर भी खत्म हुए हैं। मैं इस तहसील दिवस में इस मुद्दा के लिए आया हूँ कि हमारे गांव में 11,000 वोल्टेज की लाइन खींची हुई है, क्योंकि वहाँ ठेकेदारों ने मक्कारी करते हुए उन्होंने कहीं केबल लाइन करवा दी है और जहाँ बस्ती हुई है वहाँ कोई केबल लाइन नहीं करवाई गई है। यदि कोई तार गिरता है तो बच्चों को परेशानी है, हमारे ढोर बछड़ों को परेशानी है, हम लोग किसानों को भी परेशानी है, हम लोग भी मर सकते हैं। इसलिए श्रीमान जी से अनुरोध है कि मैं हमारे बस्ती में केबल लाइन करवाई जाए और 11,000 वोल्टेज की लाइन खिंचवाई जाए। कभी आती है घंटे को, कभी चार्ज नहीं आती है, कभी खम्मा टूट जाता है, कुछ ना कुछ शिकायत होती रहती है। एक दिन आती है तो एक एक हफ्ते नहीं आती है, इसीलिए हम लोग सब परेशान हैं। तो आप इसके बारे में कितनी शिकायतें कर चुके हैं? यहाँ पर कई बार दरखास्त दे चुके हैं, कुछ नहीं होता है। कोई लाइन खराब, कोई खम्मा टेढ़ी मेढ़ी है, कहूँ फॉल्ट हो जाता हूँ, कोई लाइन सारी हुए थे जिस लाइन की पूरी। कहाँ से कहाँ तक खराब? समोगार से नेगवा तक। मैं यहाँ तहसील दिवस में आए SDO सौरभ पटेरिया से मिलने हैं। उनने बाइट देने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वहाँ की शिकायत आई है आज तहसील दिवस में और उसको देखकर पूरी कार्रवाई की जाएगी। मैं खुद जाऊँगा वहाँ की सर्वे करवाऊँगा, अगर सही पाई जाएगी तो पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी के पास हम लोग इसलिए आए थे क्योंकि इस प्रकरण में सरकारी जमीन है, जारागा की भूमि है और भू माफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया और उसके बाद प्रिंस चौबे जी के द्वारा माननीय जिला अधिकारी जी को यह सूचित किया गया कि नहीं, भू माफियाओं के द्वारा इस जमीन पे जो है अवैध कब्जा कर लिया गया है। यह सूचना देने पे माननीय प्रिंस चौबे जी के ऊपर चोलापुर यशो साहब जी के द्वारा मुकदमा दर्ज कर दिया गया 116, यानी अर्थात कि अब अगर हत्या करने वाला अपराधी अगर हत्या कर दे और जो व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति अगर देखे तो वह घोर पाप है। एक प्रिंस चौबे अधिवक्ता हैं, छोटे भाई हैं, उन्होंने कानून की जमीन के हेरा फेरी चोलापुर थाना क्षेत्र में हो रही थी उसके लिए आवाज़ उठाया। जिलाधिकारी महोदय ने जांच का आदेश दिया, सारी जांच होकर के स्पष्ट हो गया कि यह जमीन सरकारी है और उसको हटवाया गया ऊपर से। किस गांव की थी ये, कितनी जमीन है? निदौरा गांव का मामला है, परिणा से ऊपर लगभग कितनी जमीन होगी वहाँ पे? 6 बीघा जमीन। इस समस्या को देखते हुए वहाँ के SP उन्होंने 3 दिन का आसबा, उनका कहना है कि 3 दिन का मुझे समय दीजिए, मैं जो है कि जांच के लिए भेजूंगी। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।